सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग भाई बनाने जा रहे हैं रेड फार्म अपनी सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले भाई लोग जिसने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया उस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर देना। एंड अभी मैं आपको एक सरप्राइज़ बताता हूँ। बट गुड मॉर्निंग गाइज, एंड ये देख सकते हो भाई लोग डायमंड का आर्मर। एंड अभी इतना ही नहीं, अभी यहाँ पर देखो भाई 26 ये है भाई। मैं कल मतलब ऑफलाइन में माइनिंग को गया था, मैंने लास्ट वीडियो या उससे लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि भाई मैं ऑफलाइन में डायमंड्स माइन कर लूँगा। उसमें मैंने फॉर्चून 2 वगैरह वगैरह निकाला, तो वो आरडी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो जाकर देख लो। तो बस मैं यही चीज़ें लाया था अभी। एंड देख रहे हो भाई शानदार लग रही हैं। तो चलो वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं। बट भाई मैंने थोड़ा सा दो स्टैक स्टेयर्स पहले ही जमा कर लिए हैं, मतलब जो इकट्ठा होता है उसके लिए रेड फार्म के लिए, क्योंकि भाई यार टोटम चाहिए यार। हम तो ठहरे न्यू प्लेयर, तो अपन को तो भाई टोटम चाहिए ही है ना, तो इसलिए रेड फार्म बनवा रहे हैं। थोड़ी बहुत एमराल्ड भी मिल जाएंगे वहाँ से, वो बढ़िया रहता है। एंड चलिए तो रेड फार्म बनवाते हैं। तो डायमंड का आर्मर मैं पहन लेता हूँ। हम हो चुके हैं भाई लोग फुल सेटअप में हमने डायमंड के आर्मर में। तो चलिए फिर और भी मैं सामान इकट्ठा करके मिलता हूँ। तो पहले मैं सीयर्स उठा लेता हूँ, मेरे को लीफ तोड़ने जाना है। एंड चलो तो भाई लोग मैं सामान इकट्ठा करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में, मेरा काम बहुत टाइम उसका होगा। कोई ना। हाँ तो गाइस हमने सारा सामान ले चुका है। एंड आप देख सकते हो 2 स्टैक लैडर्स, 1 स्टैक लीप्स, 4 स्टैक्स कोई भी ब्लॉक, मतलब स्मूथ ब्लॉक ले लेना, बुड वगैरह मत लेना जो आसानी से जल जाता हो। एंड 32 ग्लास, 5 हॉपर, 4 चेस्ट। एंड ये रेल वगैरह तो भाई बोट से भी चले जाते हैं ब्लेजर, बट मैंने रेल बना ली। ठीक है, अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप बोट से भी ब्लेजर्स को ले जा सकते हो। ठीक है, और 64 टेम्प्रेरी ब्लॉक्स। तो अभी हमको क्या करना है, ब्लेजर्स हमारे इतने दूर, अभी हमको 150 ब्लॉक्स दूर जाना है ब्लेजर्स से। ठीक है ना, तो चलिए 150 ब्लॉक दूर चलते हैं। एंड भाई इस फार्म की कुछ कंडीशंस हैं तो मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली बात तो भाई आपको 150 ब्लॉक्स दूर जाना है किसी ब्लेज या ब्लेजर से। एंड सेकंड, आपके यहाँ पर कोई भी माउंटेन नहीं हो, जिससे कि जो पीछे माउंटेन दिख रहे हैं तो इन माउंटेन पे मत बनाना, जिससे कि आपके जो रेड होगी ना वो नीचे चली जाएगी। ठीक है ना, और अभी अपने कोऑर्डिनेट देख लेना, 146 है ना, तो 146 से 100 ब्लॉक ऊपर जाना है 246। ठीक है ना, एंड अगर आपके 150 हैं तो आपको 250 तक जाना है, मतलब जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई उसके हिसाब से आपको 100 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। चलिए मैं 100 ब्लॉक्स ऊपर चलता हूँ। एंड आपको किस प्रकार से ऊपर जाना है ये देख लो, यहाँ पर शील्ड हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी आप क्या करना है, ये 2 ब्लॉक आप गए, एंड 2 ब्लॉक के बाद भाई लोग आपको लगाने नहीं है लैडर्स, जिससे कि आपका जो मतलब आगे का टाइम है वो बचे। तो आपको इसी मेथड से भाई लोग ऊपर तक जाना है, दो दो ब्लॉक एक एक ब्लॉक करके। ठीक है ना, और आपको लैडर लगाते हुए 100 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। तो मैं चलिए ऊपर मिलता हूँ। एंड भाई लोग एक बार और सुन लो भाई, ये मैंने 146 गलत बोला था भाई, ये मेरा 73 हाइट है ना बीच वाला, तो उससे मेरे को 150 ब्लॉक्स ऊपर जाना है। ठीक है ना, मैं अभी 173 पर जाना है मेरे को, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप ये मिस्टेक मत करना वो भाई मेरे को। कोई ना, थोड़ा बहुत चलता है मिस्टेक्स, लेकिन आप मत करना, आप भाई मेरी वीडियो पूरे देखना तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। सो गाइज मैं ऊपर आ चुका हूँ। एंड अभी आपको क्या करना है, अपनी निकाल लेना है भाई लोग लीप्स। एंड लीप्स को भाई
ये 2x2 का बना देना है, ठीक है ना। एंड जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना। अब भाई ये देख लो कि आपको लेडर्स की साइड नहीं बनाना है, ठीक है ना, उससे आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। एंड ये चार बनाकर आपको चाहिए आपकी चेस्ट्स एंड होपर्स, ठीक है ना। तो अभी आपको चेस्ट लगानी है यहाँ पर, ठीक है ना, दो चेस्ट लगा देनी है। एंड इसके ऊपर एक हॉपर और उसके ऊपर भी भाई दो चेस्ट, ठीक है ना। ये करने के बाद अभी आपको क्या करना है कि थोड़े से टेम्प्रेरी ब्लॉक्स निकालने हैं एंड ऊपर जाना है, ठीक है, संभाल के जाना, ठीक है, ज़्यादातर शिफ्ट ही दबाना, ओके ना। तो अभी आपको क्या करना है, एक एक हॉपर लगाना है, सॉरी, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, ओ डबल मत लगाना भाई, मेरे को मिल जा, ये शायद से चेस्ट में गया होगा, नहीं गया, हॉपर में होगा, सेट भाई, एक हॉपर बेस्ट, क्या मालूम, बट ओ नीचे वाले चेस्ट में होगा, देयर वी गो, ओके। अभी हमारे पास है हॉपर, अभी आपको करना एक हॉपर यहाँ पर लगाना एंड एक यहाँ पर लगाना, यहाँ पर इससे झुककर, एंड एक लग जा भाई, लग जा, अच्छा थोड़ा मेरे को इधर आना पड़ेगा, लाइक दिस। तो ये करके, ठीक है ना, ये भाई चार ऐसे लगा लेने हैं ऊपर जो कि है लैडर की साइट, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, इतना हो जाने के बाद भाई लोग आपको क्या करना है, थोड़े से टेम्प्ररी ब्लॉक लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। एंड अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेम्प्ररी ब्लॉक लगाना डर्ट के, मतलब चेस्ट के ऊपर, और एक कॉबल स्टोन, मतलब जो भी आप ब्लॉक लाए हो यूज़ करने के लिए, ठीक, ओके। तो अभी आपको इसको क्या करना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगा देना, आपको सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना हो तो भाई मैं सर्वाइवल में ही करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं एक वीडियो क्रिएटिव में भी बना देता, इसलिए मैं फुल सर्वाइवल, मेरे मेरे खुद के सर्वाइवल वर्ल्ड में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करने के बाद इसको चारों तरफ से कनेक्ट कर देना है, ओके। ये अपना कनेक्ट हो चुका है जस्ट लाइक दिस। एंड अभी इसको चार ब्लॉक ऊपर लेके जाना, एक दो तीन चार, और सारे को आपस में कर देना है, थोड़े से ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ मैं, और दबा के करो, चलो चलो, हाँ। तो इसको चार ब्लॉक्स ऊपर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है अपनी लीप्स, और लीप्स को इसके चारों साइड लगा देना है, भाई आप लीप्स कोई सी भी ले सकते हो, आपको ओक की लो या किसी भी पेड़ की लो, ये मायने नहीं रखता, आप कोई सी भी लीप्स ले सकते हो, ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद तो अभी आपको क्या करना है, जिस साइड ये दो लीप्स है ना, आपको यहीं पे जाना है। तो चलिए चलते हैं, ओके, संभल कर आना। एंड ये दो टेम्प्रेरी ब्लॉक्स हटा देना, और आपको लगाना है यहाँ पर एक टेम्प्रेरी ब्लॉक, इसके साथ लगा देनी है दो ये, और यहाँ से भी दो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है एक टेम्प्रेरी ब्लॉक जस्ट लाइक दिस, एंड एक ये लीफ लगा देनी है। अभी आप क्या करना है, सामने जाना है, ये टेम्प्रेरी ब्लॉक्स हैं भाई लोग, डर्ट है जो टेम्प्रेरी ब्लॉक है, ये अपन फॉर्म बनने के बाद हटा देंगे, ये ऊपर लग गई गलती से। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, और एक ब्लॉक और ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर जाना है, और अभी ये बीच का हॉपर का एरिया है जो, आपको एक ब्लॉक और चले जाना है, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि ये जो बीच का एरिया है, ये वाला ब्लॉक, ये सेंटर वाला ब्लॉक, दो छोड़कर ये तीसरे वाला ब्लॉक, आपको इसके नीचे लगा लेने हैं दो ब्लॉक्स, ठीक है। नीचे दो ब्लॉक्स आप जैसे ही लगा लोगे, मैं अभी लगा लेता हूँ। दो ब्लॉक्स लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको दो लीव्स लगा देनी है,
जस्ट लाइक दिस एंड नीचे के दोनों हटा देने हैं टेम्प्रेरी ब्लॉक्स, मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देना है ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इसके बगल से दो टेम्प्रेरी ब्लॉक्स निकालने हैं और यहाँ पर ऊपर चले जाना है आपको। ऊपर जाने के बाद भाई बेड नहीं लाया मैं, चलो कोई ना, बेड मैं बाद में ले आऊँगा। आपको बेड का क्या करना है, यहाँ पर लगाना है आपको बेड। तो चलिए मैं पहले बेड लेकर आता हूँ, एक सेकंड में। नीचे उतरने की निंजा टेक्निक, चलो तो नीचे चलते हैं एंड मैं बेड लेके आता हूँ। मैंने ओ ये बच गए बच गए बच गए बच गए, अभी नीचे गया, जल्दी चलो बाबा नीचे चलो। हाँ तो मैं बेड लेकर आ चुका हूँ और अभी आपको क्या करना है, बेड को उठाना है और यहाँ पर लगा देना है ठीक है। और उसके बाद अभी आपको दो शिफ्ट दबाया मैंने, ओके, दो यहाँ पर टेम्प्रेरी ब्लॉक्स लगाने हैं और उसके ऊपर अभी आपको लगाना है ग्लास जो हम लाए थे, तो आपको ये ग्लास लगा लेना है और एक टेम्प्रेरी ब्लॉक आपको लगाना है इधर, और इधर भी एक ग्लास लगा देना है ठीक है। लग जा भाई लग जा। और अभी आपको जाना है ग्लास के ऊपर एंड एक एक हाइट इसकी और बढ़ा देनी है। और अभी बेड के ऊपर ग्लास मत लगाना क्योंकि हमको एक ब्लेजर भी लाना है। ओ भाई बच गए बच गए। और बेड के नीचे के ब्लॉक्स भी हटा देना ठीक है। ये हटाने के बाद आपको एक ब्लॉक यहाँ पर लगा लेना है, ओके। चलो 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 निकल लिया, थोड़ा मैंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म बना दिया है। और अभी आपको क्या करना है, ब्लेजर लेके आना है यहाँ पर ठीक है ना। ब्लेजर लाने की निंजा टेक्निक बताने से पहले मैं एक बार सो जाता हूँ ना ठीक है। ओहो ओहो बच गए बच गए, खतरों के खिलाड़ी। तो अभी मैं ब्लेजर यहाँ पर नीचे ला कर मिलता हूँ, चलो कोई ना चलते हैं नीचे नीचे नीचे, बस ओके। तो ये हमने हमारा लूट ले लिया है। गाइस ऐसा मत करना, ऐसे आप मर सकते हो, ऐसे आपकी जान को खतरा हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो ये मत करना ठीक है ना, क्योंकि मैं तो हूँ भाई नूब, मैं तो कर देता हूँ ये हरकतें, आप मत करना, यू आर द प्रो। तो प्रो लोग ऐसी हरकत नहीं करते हैं ठीक है। अभी मैं ब्लेजर यहाँ पर ला के मिलता हूँ। गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ ब्लेजर को लेके, तो अभी मैं थोड़ा रेल का ऊपर यूज़ करूँगा जितना हमारे पास रेल है। अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा धीरे 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 भाई धीरे धीरे ले चलना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि इसमें भाई ख़तरा बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर ज़्यादा रेल हैं तो भाई आप वैसे भी ऊपर ला सकते हो उस मेथड से, बट जिसके पास भाई गरीबी रेखा में जी रहा है वो ऐसे ला सकता है ठीक है ना। इसमें लीड टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, अगर लीड टूटा तो आपका ब्लेजर भी गया। ओके तो मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ, भाई रुक जा तू भी आएगा थोड़े ही टाइम में। एंड अभी 4x4 हमको प्लेटफॉर्म बना लेना है ब्लेजर के लिए कुछ इस तरीके का, ये भाई वो ब्लॉक्स मतलब। तो अभी इस ब्लेजर्स को इस साइड लाना है, इस साइड आ जा भाई, ओके। तो ये इस साइड आ चुका है आराम से प्यार से, आ जा यहाँ पर। ओहो ओहो नो 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 बच गया ब्लेजर भाई, बच चुका है, लिटरल बोल रहा हूँ मैं यार। अब मैं इसको ऊपर कैसे लाऊं यार, ओके देयर वी गो, हमारा काम हो चुका है। अभी इसको अनलीश कर देते हैं, हमारी लीड नीचे जा चुकी है, कोई ना लामा फिरता रहता है, लीड तो ले ही लेंगे।
और अभी शिफ्ट दबा लेना है और यहाँ पर नीचे ब्लॉक्स लगा देना है। ब्लॉक्स लग जा भाई, ठीक है कि ये ब्लेजर ना गिर जाए। ठीक है, ओ अब तो माइन कार्ड लाने की भाई जरूरी ही नहीं है, इसी से ले जाएंगे ना, बोट से। चलो तो बोट से ही लेके चलते हैं। क्या करना है यार, रेल अभी 2 रेल उसको बनाने में लगेगा। चलो ये रेल पे चली जाती है। हाँ अभी चलते हैं। और अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर पूरे में कांच लगा देना है। मैं भाई ब्लेजर लेके आ चुका हूँ एंड ब्लेजर के आसपास कांच लगा देना है जिससे कि वो ऊपर ना आ सके। भाई ग्लास लगा देना अपना नॉर्मली, एंड भाई यहाँ पर भी ग्लास लगा देना है। ठीक है, ये ऐसे, चलो ये 2 ग्लास तोड़ देना, ये कोई काम का नहीं है। ब्लेजर के बेड के ऊपर ग्लास लगा देना, ठीक है। एंड भाई आपको जाते जाते क्या करना है, आपको लीव्स निकालनी है एंड इसके ऊपर लगा देना है भाई ग्लास के ऊपर, वरना ब्लेजर भाई यहीं पर स्पॉन हो जाएगा। तो ग्लास के ऊपर जरूर, मतलब इसके ऊपर ज़रूर से लगा देना, एंड ये 2 ग्लास भी लगा देना, ठीक है इस तरीके से, ठीक है। और इनके ऊपर भी भाई लीव्स लगा देना है, यहाँ पर प्लेजर से स्पॉन ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये लिप्स से प्लेजर, भाई लिप्स के ऊपर प्लेजर कभी भी स्पॉन नहीं होते, इसलिए मैं लिप्स लगवा रहा हूँ आपसे। तो चलो लिप्स लगा दो पूरे में एंड इस ग्रास को भी क्लियर कर देना। तो गाइस आपको अपने पास के रेड वो मतलब प्लेजर टावर में आना है एंड बैड ओमन का इफेक्ट ले लेना है। और आपको दोबारा से जाना है भाई लोग अपने रेड फार्म के अंदर, ब्लेजर ब्लेज से होते हुए ना जाना, ठीक है। और रेड फार्म पे आपको जाने के बाद आपको जाना है ऊपर एंड ऊपर भाई लोग रेड को, रेड मतलब चालू हो जाना चाहिए जिस तरीके का भाई मैंने फार्म बनाया उस तरीके से। तो अभी चलते हैं ऊपर ऊपर एंड बूम गाइस, ये हमारी रेड चालू हो चुकी है। और अभी आपको क्या करना है इनको मारने के लिए, यहाँ से आपको शॉट चलानी है शिफ्ट दबा कर ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मार लेना और अगर ना मरे तो भाई यहाँ पर एक स्लैब लगा देना और मार लेना, ठीक है ना, ये देख मर रहे हैं। एंड अगर आपको किलिंग चेम्बर बना लेना भाई इसके अंदर, अगर आपको बनाना नहीं आता तो मेरे कमेंट कर देना, मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा उसमें मैं बता दूंगा किलिंग चेम्बर आप कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो एंड भाई मैंने रेड विक्ट्री कर ली है और आप देख सकते हो मैं अभी रेड की लूट पर दिखाता हूँ भाई लोग, इतनी सारी लूट एंड ये भाई टॉटम, ठीक है ना। और ये क्रॉसबो भाई सब यहीं से आए, आधी से ज़्यादा मेरी इन्वेंट्री इसी से भरी हुई है। और ये एक टाइप से एक्सपी फार्म का भी काम करता है क्योंकि मेरी एक्सपी 6 थी 13 हो गई, तो वो भी एक अच्छी बात है। सैडल वगैरह सब मिलता है एंड देख सकते हो भाई अनब्रेकिंग, बोन ऑफ आर्थरिंग, इंचेंटमेंट वाली वो भी आती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाय।